ये जो शिविर का उद्देश्य है, ये उद्देश्य यही है कि तुम्हारे मन में वो लोह जगा देने कि इसी जीवन में तुमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि इस जीवन में साधक एक लोक में जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उससे उच्च के लोक में जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उच्च कुल में वो जन्म लेकर के और उससे ज्यादा उच्च लोक में प्रवेश करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर आखिरी में जो ब्रह्मलोक है, जो अनंत है, जिसको शिवलोक धाम बोलते हैं, उसको वो जाता है। वास्तव में उन्होंने गलत नहीं लिखा, लेकिन समझने में गलती हो रही है। प्रति प्रसव, प्रति यानी कि दोबारा, प्रसव यानी कि जन्म लेना। तो जब तुम प्रति प्रसव साधना करते हो तो तुम्हारा जन्म हर साधना के बाद होता है कि नहीं होता, बोलो? होता है। वो जन्म लेने का मतलब क्या है कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय उसके जो पिछले कई जन्मों के संचित कर्म थे, उन कर्मों के अनुरूप उसने जो कर्म भोग भोगना है, जो प्रारब्ध भोग भोगना है, उसके जीवन का जो है वो पूरा हॉरोस्कोप वो लिखा होता है, ये विवरण लिखा होता है कि इसने ये 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 अनुभव करना है। लेकिन जब शिव योग के मार्ग पर आ जाता है, जैसा कि दुर्गा सप्शती में मां भगवती ने कहा, रक्त बीज, उसका एक भी रक्त जमीन पर नहीं गिरने देना, भक्षण कर लेना। तो जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, जब शक्ति ऊपर उठती है, तो सभी कर्मों का भक्षण कर लेती है। तो भक्षण करते ही उसका वो जन्म जो है उसका मूल परिवर्तन हो जाता है। अब उस साधना के बाद उसका दोबारा जन्म हुआ, अब उसको प्रसव दोबारा जन्म ले लिया, अब इस साधना के बाद उसका भाग्य बदल चुका है, उसका वो भाग्य नहीं रहा, उसकी वो डेस्टिनी नहीं रही। क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, व्हाट यू आर डिस्टाइंड फॉर डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द कर्मस यू हैव स्टोर्ड इन यू। आपके जो पास्ट कर्म है उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपका आगे की डेस्टिनी क्या है। लेकिन जब वो कर्म समाप्त हो गए तो डेस्टिनी बदल गई, उस समय दोबारा एक जन्म हुआ। उसी प्रकार से जब सिद्धों ने साधना करी तो ये आत्म साक्षात्कार की जो साधना है, इसमें अलग अलग लोक में व्यक्ति प्रवेश करता है, साधक अलग अलग स्टेजेस में वो प्रवेश करता है। मैं भी प्रयास करूंगा, आप लोगों को पितृलोक में भी भ्रमण करा दूंगा, स्वर्गलोक में भी करा दूंगा, जिससे आप विटनेस कर सको, हर लोक को विटनेस आप कर सको, अनुभव कर सको। इसलिए मैंने कहा कि शिविर के पश्चात आप कहोगे कि मैं बदल गया, मैं जो पहले था अब तो मैं कुछ और होकर चला गया।